हमारे पीछे जो वो भाई ओड़ी तो आगे निकल गई, कम ऑन देख सकते हो ओड़ी को पूरी टाइम। भाई सबसे पहले आ जाती है आपकी ओड़ी A4 जो कि 2014 का मॉडल है और एस लाइन वेरिएंट है, टॉप मॉडल में आता है। तो भाई मैं पहले ही बता दूं स्पीड वाइज में जो मीटर में दी गई है 280 की फुल स्पीड है भाई इसमें। और तो देखते हैं भाई थार के साथ इसका कोई मुकाबला है या नहीं है, अगर रेस लगाई जाए दोनों की गाड़ियों की एक साथ तो देखते हैं भाई कौन सी गाड़ी जीतती है। हर बार की तरह भाई जो है कि तीन राउंड करेंगे, जैसे कि हर वीडियो में होता है, तो हम भी भाई तीन राउंड करेंगे। अगर तीन राउंड में हमें जो है कुछ मजा ना आया तो फिर उसके बाद देखते हैं एक एक्स्ट्रा राउंड और करेंगे। तो भाई इसके इंजन की बात कर लेता हूं तो भाई 2000 सीसी का इसमें इंजन आपको मिल जाता है और BHP इसमें आपको 143 की मिलती है। और NM टॉर्क की बात करूं तो भाई 320 का इसमें NM टॉर्क मिल जाता है। तो भाई इसके बाद थार के बारे में बात कर लेते हैं, तो थार में भी आपको सेम 2000 सीसी का इंजन मिल जाता है, एमोक इंजन। और BHP की बात करो तो इसमें आपको 150 BHP मिल जाती है। और NM टॉर्क की बात करूं तो भाई इसमें ओडी से 20 NM टॉर्क कम मिल जाता है, 300 NM टॉर्क मिल जाता है इसमें आपको। और मीटर में जो है स्पीड की बात करूं तो भाई 180 की स्पीड है, तो वो ये बाप और बेटे के बीच में मुकाबला हो रहा है इस टाइम। और भाई ओडी है तो भाई ये तो अलग ही लेवल की मशीन है, और महिंद्रा अपनी इंडिया की इसकी तो बात ही अलग है भाई, ये दिलों की धड़कन लोगों। तो आज दोनों के बीच में जो रेस करने वाले हैं, ओडी सबसे पहले चलाने वाले हैं हमारे बड़े भाई विशाल भाई, और थार को मैं ड्राइव करने वाला हूँ। ये फ्रंट व्हील ड्राइव है और ये 4x4 है, तो इसमें अभी हम जो है 4x2 ही यूज करेंगे। सबसे पहले हम इसका जो है ये रियर व्हील ड्राइव यूज करेंगे, तो देखते हैं फिर क्या होता है वीडियो में। तो शुरू करते हैं भाई वीडियो को फिर, और ठीक है विशाल भाई अब गाड़ी में बैठो और गाड़ी स्टार्ट करते हैं और फिर देखते हैं भाई। और हाँ एक बात मैं बता दूं आपको, वो दिखाई दे रहा होगा फ्लाईओवर पे जो पहला स्ट्रीट लाइट है, वो पहला खंबा है, वहां तक की रेस होगी। देखते हैं वहां सबसे पहले कौन पहुंचता है, ठीक है। तो हॉर्न को 3 बार दबाने पे गाड़ी चलेगी, ठीक है। ठीक है भाई गाइस शुरू करते हैं गाड़ी को फिर। अपना मोबाइल चला ले तू भी। फर्स्ट राउंड, तो भाई रेस शुरू करने वाले हैं, वहां तक की रेस होगी। विशाल भाई अपना गाड़ी में बैठ चुके हैं, तो रेस शुरू करते हैं। तो भाई साहब उनका तो गियर सिस्टम ही अभी चालू नहीं हुआ, क्या हुआ था, गियर नहीं लगा रखा था। चलो ठीक है फिर यहीं से शुरू करते हैं, ठीक है। फर्स्ट राउंड, एक दो तीन। तो गाइस मैं गाड़ी में अकेला हूँ और विशाल भाई को मैंने पीछे जो वो भाई ओड़ी तो आगे निकल गई, कम ऑन तो भाई ओड़ी तो आगे निकल गई। तो पीछे रह गई थार, ये देख तैर सकते हो आप फ्रंट शीशे में। तो भाई पहले राउंड में जो है थार हार चुकी है और ओड़ी जीत चुकी है, तो अभी जो है दोबारा फिर से स्टार्ट करेंगे। तो भी पूछते भाई क्या सीन रहा भाई, ओड़ी तो बहुत ही आसानी से आगे निकल गई भाई, वार तो थार पीछे रहेगी। वैसे शुरू में जो है थार थोड़ी सी आगे निकली थी, लेकिन फिर उसके बाद जो है भाई ओड़ी ने तो अपना रूप दिखाना ही था भाई, बाप है। और बहुत ज्यादा है ना भाई गाड़ी में, एक काम करते हैं 4x4 चलाओ। अब की बार जो है 4x2 पे 4x4 पे ट्राई करता हूं, और आपका जो सेम तो है ही, क्या करें बताओ कैसे मोड़े गाड़ी को, यहीं से आगे करें तो ठीक है। वो येलो कलर तो तीसरे नंबर के, 1 2 3 4 चौथे नंबर के दिखाई दे रहा है ना वो, ठीक है। वो कह रहा हूँ गाइस मैं, वो चौथे नंबर का जो ये है ना, ये 1 2 3 4, तो उस चौथे नंबर की रेस होगी सेकंड राउंड में, और मेरा 4x4 होगा और ये फ्रंट व्हील ड्राइव ओडी। तो अभी जो मैं गाड़ी स्टार्ट कर लेता हूँ, विशाल भाई ने तो पहली गाड़ी स्टार्ट की हुई है, मैं साइड में लगा लेता हूँ गाड़ी पहले। तो ठीक है विशाल भाई मैं 4x4 लगा रहा हूँ हाई पे, ठीक है। और अभी जो है
शीशा ऊपर कर लेते हैं और हॉर्न के तीसरे बजने पे चलेंगे। सेकंड राउंड। तो भाई साहब आप और देख सकते हो, ओड़ी को पूरी टक्कर दे रही है भाई शुरू में। तो ये हुई पीछे, ये है ओड़ी ने फिर से हरा दिया भाई साहब। मुश्किल है ओड़ी को जीत, ओड़ी से जीतना मुश्किल है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है ओड़ी से जीतना। मैंने 4x4 भी यूज किया हुआ है, देखो आपको मीटर में दिखाई दे रहा होगा, लेकिन फिर भी जो है बड़ी मुश्किल हो रखी है ओड़ी से जीतने में भाई। तो भाई गाड़ी को साइड में लगाते हैं और फिर से जो है एक बार थर्ड राउंड देखते हैं। अब की बार जो है विशाल भाई गाड़ी चलाएंगे और मैं चलाऊंगा ऑडी। भाई ऑडी तो फिर से आगे निकल गई। तो भाई थार का जो पहला पिकअप जो पहली बारी में चली वो थोड़ी आगे थी, पर खैर ये तो है कि भाई जो इसका स्टार्टिंग लॉन्च है थार का वो थोड़ा ऑडी से तेज है, क्योंकि इसमें 143 bhp और उसमें 150 bhp है भाई। इसका NM टॉर्क थोड़ा 20 ज्यादा है। लो अब मैं आपकी थार चला के देखता हूं, मैं कुछ ट्राई करता हूं। ठीक है चलो, ठीक है। अब की बार जो है विशाल भाई अब की बार मेरी थार चला रहे हैं और मैं चला रहा हूं ओडी। तो विशाल भाई भी एक बार जो है 4x2 में चलाएंगे और एक बार 4x4 में ट्राई करेंगे और हम अपनी ओडी को चलाएंगे, उस वाले बोर्ड तक जाएंगे हम। तो अब आप देख सकते हो जो आगे का अगर रूट है, जो वो वाला आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है अभी, उस बोर्ड तक हमें जो है रेस लगानी है, फिर देखते हैं। हाईवे भी वैसे चल रहा है तो काफी रिस्की भी है, तो इसलिए हम जो है थोड़ा सावधानी का भी प्रयोग करेंगे। ठीक है विशाल भाई, ठीक है आप गाड़ी स्टार्ट करो, मैं ऑडी स्टार्ट करता हूँ। तो अब की बार जो है मैं ऑडी चला रहा हूँ और विशाल भाई जो है थार चलाएंगे मेरी। तो विशाल भाई कहाँ रह गए अभी? विशाल भाई भी थार लेके आगे आने लग रहे हैं। तो अभी जो है थार और थोड़ी सी आगे और ले लो, थोड़ी सी आगे और ले लो। अभी 4x4 में, 4x2 में। तो अभी 4x2 में लगी हुई है, तो अभी जो है करते हैं शुरू थर्ड राउंड। एक दो तीन। तो गाइस थार फिर से पीछे रह चुकी है, तो विशाल भाई भी हार गए। तो भाई मैं तो यही बात बोलूंगा कि भाई ओडी से जीतना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है ओडी से जीतना भाई। ये गाड़ी की बात ही अलग है। तो गाइस मैं अभी सबसे पहले यहाँ पे पहुंच चुका हूँ और विशाल भाई भी जो पीछे आने लग रहे हैं वो आपको दिखाई दे रहा हूँ। तो अभी हम गाड़ी को साइड में लगाते हैं और फिर से देखते हैं एक बार और। तो विशाल भाई अभी 4x4 लगा के देखेंगे और हम भी 4x2 में चलेंगे। क्या रहा भाई, ओडी का कोई मुकाबला नहीं है, चाहे ड्राइवर चेंज हो चाहे कुछ भी, लेकिन ओडी का मुकाबला नहीं है। तो अब की बार 4x4 में ट्राई करके देखो एक बार आप। थोड़ा सा परे को लो गाड़ी और अब की बार जो वो आपको दिखाई दे रहा है ना टॉयलेट, 4x4 पीछे कर दो ना, आई पे क्लच दबा के लगा नहीं। तो भाई अब की बार जो है फाइनल राउंड करेंगे। तो विशाल भाई ने 4x4 लगा लिया थार का और मैं ऑडी ड्राइव करूंगा। तो देखते हैं फिर से शुरू करते हैं वीडियो को। ये देख सकते हो विशाल भाई ने 4H लगा लिया है और विशाल भाई भी अपना रिकॉर्डिंग कर रहे हैं कंटिन्यू। मैं 4x4 में चलाने वाला हूँ थार को, अब देखते हैं अब क्या होगा इस ऑडी के साथ। देख सकते हो विशाल भाई ने 4H लगा लिया है और विशाल भाई भी अपना रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो विशाल भाई थोड़ी सी आपको थोड़ा वाइड में लेनी पड़ेगी गाड़ी, क्योंकि मेरे आगे डिवाइडर है तो शायद डिवाइडर तेरा लग जाए। तो एक बार इस गाड़ी को निकलने देते हैं, फिर आप थोड़ा सा जो है वाइड में ले लेना गाड़ी को। बस 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 बस। फोर्थ राउंड। चलो ठीक है, एक दो तीन। आपकी बार तो जो है विशाल भाई ने खड़ा भी नहीं कर दिया,
गाड़ी देख सकते हो कितनी मतलब कितनी जल्दी इसने जो है स्पीड एकदम से कवर किया गाड़ी ने। बोले विशाल भाई फिर से पीछे रह गए, अभी हम गाड़ी को साइड में लगाएंगे और फिर थोड़ी बहुत बात करेंगे गाड़ी के बारे में। क्या हुआ? तो क्या कहना चाहोगे विशाल भाई? What is best? लेकिन महिंद्रा भी बेस्ट है भाई, बहुत फैन फॉलोइंग है महिंद्रा की। तो भाई देख सकते हो 180 की स्पीड इस गाड़ी की मीटर में दी गई है और 380 की इसमें दी गई है, सॉरी 280 की, 150 bhp की पावर इसमें मिल जाती है, 143 की bhp पावर इसमें मिल जाती है, 300 nm टॉर्क आपको इसमें मिल जाता है और 320 का nm टॉर्क आपको ऑडी A4 में मिल जाता है। तो चार राउंड करे आज हमने थार के और ओडी के। थार हमने दो राउंड में 4x2 रखी और दो राउंड में 4x4 रखी। तो देख सकते हो इस वीडियो में आप ओडी बिल्कुल भी जो है हारी नहीं है और थार हर राउंड में जो है इसका लॉन्च अच्छा था, है ना विशाल भाई? लॉन्च गाड़ी का थार का अच्छा था, लेकिन जो पिकअप इसका अच्छा है, लेकिन जो है कि आगे नहीं निकल पाई ये गाड़ी। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे भाई? दोनों गाड़ी बेस्ट है, पर वो अपनी जगह बेस्ट है, ये अपनी ये बात सही है कि दोनों अपने सेगमेंट।